राम राम डेटर। चलो कल के मार्केट एनालिसिस के बारे में बात करते हैं गाइस। देखो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं मार्केट ऐसा मतलब मचा रहा है ना भाई। एक पहले मैं आपको डेली दिखाता हूँ। अच्छा उससे पहले ना आज एक चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया था 21,800 का, ठीक है, ये दिया था पी बाई करने के लिए 10 बजे के आसपास। ये 60 से 120 रुपये गया था लास्ट में, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो 130 रुपीज़ के आसपास गया था। फिर अगर आप चैनल अगर टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किए हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको बताता रहता हूँ। देखो आज एक ही कॉल दिया था मैंने, एक में ही काम हो गया था, देख रहे हो 122 पहुँच गया था, यहाँ पे दिया था, जस्ट देख लेना, ठीक है। यहाँ पे 947 पे दिया था, 60 रुपये के आसपास चल रहा था, इसके बाद ये 130 रुपये गया है। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हो, आप भी पैसे कमाना चाहते हो तो ज्वाइन कर लो। क्वांटिटी अगर नए हो तो एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड मत करना, ठीक है। और देखो मेरा आज क्या हुआ, देखो कल का जो प्रॉफिट 15,000 का था वो पूरा चला गया। कैसे चला गया, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब मैं आपको लास्ट टाइम कल ही बोला था बहुत अच्छा है, यहाँ से देख रहे हो चैनल ये ब्रेकडाउन नीचे किया है और क्लोजिंग भी इसका अच्छा था, बट क्या किया, एक सेकेंड बताता हूँ मैं, मार्केट ने कहाँ फंसाया। और एक जब SL हिट हुआ ना, इसके बाद मैं ट्रेड लिया नहीं। 21,800 मतलब मैंने ऑलरेडी मतलब ये करके रखा था मैं, ठीक है। और इसके बाद जब फिर से यहाँ से फॉल होना चालू नीचे, मैंने ट्रेड लिया नहीं। मैंने बोला छोड़ो, एक SL हिट हो गया ना, क्या होता है ना जब एक बार SL हिट हो जाता है ना, फिर ना कैसा होता है कि आप फिर ना मतलब प्राइस एक्शन काम नहीं करता, फिर आप ना इमोशनली अटैच हो जाते हो वो ट्रेड से, कि आपको लगता है हाँ चलो मेरा 5,000 लॉस हो गया है, 10,000 लॉस हो गया है, तो मुझे अब रिकवर करना है। फिर आपका ना ये अटैचमेंट इमोशनली हो जाता है, ये जो पैसा लॉस करते हो ना, इसलिए मैंने वो चीज़ दूर की और मैं ट्रेड नहीं लिया। हमने छोड़ो अब मैं मंडे से और ट्रेड करूँगा, कल भी नहीं करने वाला, क्योंकि कल मार्केट ना इसका निफ्टी का एक्सपायरी। पहले मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ मैंने कहाँ एग्जिट लिया। अब यहाँ तक का मुझे तो अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा था, जब मार्केट कल के दिन क्लोजिंग दिया, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, ठीक है। 15,000 के आस प्रॉफिट था MTM में, MTM मतलब खुशी मिली मुझे। फिर देखा ग्लोबल मार्केट थोड़ा रिवर्सल किया, मतलब ऑलमोस्ट 0.5% के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, ठीक है। मतलब चलो फ्लैट ओपन तो हो सकता है, लेकिन ये जब गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे इतना बड़ा, ये मतलब मेरा प्रॉफिट ना सब खत्म हो के ये -2,000 3,000 के आसपास मेरा माइनस हो गया यहाँ पे जाके। फिर इसके बाद मैं वेट कर रहा, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये ट्रेंड का 50% जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक मैं निकालूंगा नहीं। बट रीज़न क्या हुआ, यहाँ पे ना कंटिन्यू होवर करने लगा, कंटिन्यू बार बार। मैं आपको बोलता ना सेलिंग बहुत फास्ट है, अगर यहाँ पे मतलब रुक रहा है, अगर टाइम पास कर रहा है, तो ये ब्रेकआउट कर देगा ऊपर। और जब पता है ना 1 मिनट का कैंडल इतना बड़ा कभी कभी मोमेंटम कर देता है, तो आपका ये पूरा कैपिटल ना ये 50 60 70% पूरा वाइप आउट हो जाता है। तो जब यहाँ पे होने लगा, प्रीमियम डीके होने लगा, तो मैंने निकाल दिया ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास लॉस निकाल दिया मैंने। फिर मैंने और ट्रेड नहीं लिया। फिर मैं देखो यहाँ से दिख रहा था मुझे कि ब्रेकडाउन हो जाएगा नीचे, ये क्लोजिंग कल का क्लोजिंग रिटेस्ट करेगा, फिर थोड़ा सा और पॉसिबिलिटी है नीचे करेक्शन करने, लेकिन मैं ट्रेड नहीं लिया क्योंकि चाहता रिकवर हो जाता, लेकिन मेरा क्या ना इमोशनली अटैच हो जाता। फिर मैं फिर जहाँ जहाँ पे कहीं कहीं पे यहाँ पे ट्रेड मिल जाता, ये W पैटर्न पे मिल जाता ट्रेड, बहुत जगह मिल जाता, लेकिन फिर ये ओवर ट्रेड हो जाता, फिर साइकोलॉजी से ना आने वाले टाइम पर डिस्टर्ब हो जाती है। अब देखो ना एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा एक वीडियो मैंने बनाया था जो मैंने आपको बताया था आज ही, कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो नहीं दिखता है वही होता है। आज दिख रहा था कि यहाँ से ब्रेकडाउन दे देगा, नीचे फॉलो थ्रू मिल जाएगा, लेकिन फॉलो थ्रू जैसा कि मैं आपको बहुत बार से बता रहा हूँ, इतना बड़ा सेलिंग में पॉज आ गया, इतना बड़ा सेलिंग में सीधे रिवर्सल, इतना बड़ा सेलिंग में सीधे अगले दिन रिवर्सल, यहाँ पे सेलिंग रिवर्सल, यहाँ पे इतना बड़ा सेलिंग रिवर्सल। जब भी नीचे मार्केट जा रहा है ना, लोग बाइंग करना पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो एक चीज़ और देखो, मतलब इतने कॉन्फिडेंट से ट्रेड लिया था ना, इसलिए बोलते ना 100% कभी मार्केट में नहीं होता, मतलब मैं थोड़ा ना उदासी सा हो गया मुझे। अब ये देखो 50 EMA का, ये भी नीचे ना क्लोजिंग दे दिया था कल के दिन, ठीक है, ये भी कल आज मतलब कल के दिन क्लोजिंग दे दिया था इसके नीचे। तो मैं और था कि हाँ मार्केट थोड़ा फ्लैट भी खुले, गैप अप तो इतना चांस नहीं था, इतना बड़ा गैप अप खुलेगा, फ्लैट खुले, फिर ये नीचे की तरफ थोड़ा पुश कर दे, 21,600 के आसपास आ जाए, फिर थोड़ा होवर करे, फिर इसको फिर मान लो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है कब भी कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से प्रॉफिट लेके 30 40 हज़ार का मेरा मतलब टारगेट था प्रॉफिट निकालने के लिए, इतना तक का प्लान किया था, 30 40 हज़ार निकल जाएगा मैं निकाल दूंगा, लेकिन 3 4 4 हज़ार के आसपास लॉस हो गया ड्यू टू गैप अप। गैप अप नहीं होता तो अच्छा खासा, अगर ये उसी के फेवर में गैप डाउन हो जाता तो 25 30 हज़ार तो मेरा प्रॉफिट हो जाता, बट ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेन। बट मैं अपना पोजिशन ना होल्ड नहीं करके लेके जाने वाला, मैं सबक सीख गया हूँ, क्योंकि ये बहुत बार मेरे साथ होता है।
ओवरनाइट क्या न्यूज़ आ जाए, क्या पॉजिटिव आ जाए, मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव कर देता है। तो मैं अभी ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेने वाला हूँ। चलो और हाँ एक चीज़ और देखो, अभी ना मार्केट ना कल निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो सेलर को यहाँ पे 200 पॉइंट का मोमेंटम, मतलब ये यहाँ से मोमेंटम मिल गया इनको, यहाँ पे 200 पॉइंट का इनको रेंज मिल गया। तो ये ऊपर का सी नीचे का पी, जब तक ये दोनों ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ पे आप अगर ट्रेड करोगे तो फंसोगे। ये ट्राई करेगा कि अपने आप को यहीं नीचे से सी और ऊपर से पी, तो ट्राई करेगा दोनों के यही जो कैंडल बना हुआ 200 पॉइंट का मोमेंटम, इसी के नीचे में मतलब बीच में ही ट्रेड करे, ठीक है? ओके चलो मैं आपको और 15 मिनट में लेके चलता हूँ। अब देखो कल के लिए इतना अच्छा प्रॉफिट था, एक सेकेंड इतना बड़ा क्यों हो गया, यही होता ना मार्केट, मतलब ना कहीं भी मोमेंटम कर देता है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा रिस्क रिवॉर्ड। और ये गैप अप नहीं होता फ्लैट, अगर फ्लैट ओपन होके अगर ये मोमेंटम जाता ना तब भी मैं निकाल देता, मतलब 5,000 10,000 तो लेके ही जाता, लेकिन ये ऑलरेडी गैप अप हो गया तो गैप अप कैसे निकालूंगा मैं, मेरा ऑलरेडी तो प्रॉफिट तो चला गया ड्यू टू गैप अप। तो मैं बस वेट कर रहा था कि मतलब यहाँ पे अगर सस्टेन कर रहा है या फिर अगर डीके हो रहा है तो मैं निकाल दूंगा। जब देखा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस के पास मार्केट होवर कर रहा था, सस्टेन कर रहा था। और क्या होता ना जैसे कैंडल यहाँ पे नीचे बना, ये चांसेस था कि ऊपर भी एक कैंडल एक बड़ा सा स्पाइक मार के क्लोज कर दे, और जितना मेरा कैपिटल, जैसे मेरा अभी 4,000 का लॉस था, यहाँ पे मेरा 15,000 20,000 का लॉस भी हो सकता था, तो कुछ कह नहीं सकते थे भाई, इसीलिए मैंने निकाल दिया। और यहाँ से भी दिख रहा था कि मार्केट फॉल करे, लेकिन मैं ट्रेड लिया नहीं, हमने कहा यार छोड़ो। अब देखो एक चीज़ और, यहाँ पे अब ना सेलर लोग के पास दो रेंज मिल चुका है, जब तक ये दो रेंज ब्रेक नहीं होता, ठीक है, 21,900 और 21,700, जब तक ये 200 पॉइंट का रेंज नहीं ब्रेक हो रहा ना तब तक ये एक इनसाइड कैंडल बनेगा और ना प्रीमियम डीके होगा, याद रखना। तो ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं, मार्केट को एक दो दिन और देखो, जाने दो, आने वाले टाइम पे अगर आपका देखो प्रो पैसा बचा रहेगा ना, कैपिटल अगर आप बचा के रखें ना, आने वाले टाइम पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप यहीं साइड वे मार्केट में सारा कैपिटल खो दोगे तो आने वाले टाइम पे ट्रेड क्या करोगे, राइट? तो इसलिए मैंने जैसे उस मैग्नेट पे बताया था 1,000 पॉइंट का, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तक मैं ट्रेड नहीं लूंगा। आज आज ब्रेक तो हुआ था, लेकिन इतना बुरा फंसाया नीचे में कि देखो ना एक सेकेंड, जैसे 47,000 ब्रेक हुआ, यहाँ पे देखो 47,000 ब्रेक हुआ, ये कितने 200 पॉइंट का मोमेंटम दिया स्पाइक में, सीधे अगला कैंडल सीधे रिवर्सल मार दिया। तो देख रहे हो कितना मतलब एसएल हंटिंग ट्रैप होता है। और मैं इसीलिए ट्रेड नहीं कर रहा था क्योंकि ये 1,000 पॉइंट, मैं आपको पहले ही बोला हूँ, मैं 1,000 पॉइंट जब तक ये ब्रेकडाउन ब्रेकआउट नहीं करता है तो ट्रेड नहीं लूंगा। अगर ये एक्सपायरी नहीं होता तो मैं देखता, हाँ चलो एक्सपायरी नहीं है, लेकिन एक्सपायरी में क्या ना सेलर लोग का नज़र हो जाता है, ये जैसे स्विंग इनको मिला था यहाँ पे, फिर इसके बाद ये स्विंग मिला, तो फिर एक एक स्विंग में जब मार्केट फंस जाता है ना तो फिर वो सेलर का डे हो जाता है, तो उसमें आपका पैसा नहीं बनेगा। आप सेल करते हो यहाँ से सी नीचे से पी तो पैसा बनेगा, बायर्स को पैसा नहीं। स्कैल्पिंग देखो मैं बहुत कम करता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है स्कैल्पिंग ही करना बेटर है आज के मार्केट। अगर स्कैल्पिंग करता तो ये मोमेंटम मुझे मिल जाता, फिर यहाँ से भी मोमेंटम 5 मिनट में कैप्चर कर लेता मैं, लेकिन फिर वो ओवर ट्रेड हो जाता है, उसके लिए ना फिर टाइम ऑन स्क्रीन बढ़ाना पड़ेगा फिर, क्योंकि मुझे बस मॉर्निंग में 1 आवर का मतलब मिलता है ट्रेडिंग करने के लिए। होप आपको समझ में आएगा। तो कल के दिन देखो निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो एक चीज़ रखना, जब तक ये दोनों रेंज ब्रेक नहीं होता है, जब तक ये दोनों रेंज ब्रेक नहीं होता ना तब तक कोई मतलब डायरेक्शन मूव नहीं होने वाला है, तो ये इनसाइड कैंडल एक बनाएगा, नहीं तो यहाँ पे साइड हो जाएगा मार्केट। और फ्रेश बाइंग फ्रेश सेलिंग अभी कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि एक डोजी को कैंडल किया है, तो मतलब ये कंफ्यूज है यहाँ पे मार्केट, किस साइड ब्रेक करेगा मुझे नहीं पता ना आपको पता है। कल अगर यहाँ पे कैसे मार्केट यही रेंज में होवर करता है सेकेंड हाफ के बाद 12:30 के बाद, अगर ये मोमेंटम करता है ऊपर के साइड में, ये सारे लेवल फिर से ब्रेक करता है 21,900, तो फिर चांसेस है एक मोमेंटम फिर 100 पॉइंट का करता है और फिर ट्राई करेगा ना 22,000 के ऊपर मूव करने के लिए। क्योंकि देखो फ्रेश बाइंग जैसा मैंने बोला था 22,000 के ऊपर, और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में 47,000 के ऊपर, होप आपका समझ में आया होगा। कल अवॉइड करना, बहुत कम ट्राई करना, ठीक है, एक एक क्वांटिटी, क्योंकि पॉसिबिलिटी है एक इनसाइड कैंडल बनाए, क्योंकि देखो क्या होता ना जब बायर सेलर दोनों फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं ना तो फिर ये हाथ नहीं लगाते, फिर ये ना छोड़ देते हैं मार्केट को कि भाई जहाँ तू मोमेंटम करेगा, और मैंने कैसे यहाँ पे 47,000 है, मैंने अपना डिसीजन बना लिया 46,000, जब तक तू ये क्रॉस नहीं करता तब तक मैं कुछ करने वाला नहीं। तो सेम यही है, जब तक ये सारे लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक कोई मोमेंटम नहीं आने वाला, बस फंसाएगा। चलो एक सेकेंड और आपको बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ मैं, बैंक निफ्टी ना तो ये तो अजीब ही हो गया, मतलब देख रहे हो कितने दिन, 5 दिन हो गए शायद, देखो 1 2 3 4 5,
5 दिन से कोई मोमेंटम ही नहीं है, मतलब नीचे जा तो रहा है लेकिन ये फिर रिवर्सल मार दे रहा है, क्लोजिंग ऊपर साइड दे रहा है, कभी भी यहाँ पे भी देखो कभी नीचे क्लोजिंग दिया नहीं है, क्लोजिंग हमेशा हायर साइड पे दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बायर्स हैं, लेकिन ये अगर बायर्स होते तो एक ना एक स्ट्रांग बना देना चाहिए था हैमर कैंडल, ये कैसे था ना एक यहाँ पे ऐसे मतलब हैमर बना देता तो हमें पता चल जाता ठीक है बायर्स इसके ऊपर है और जो सेलर है इसके नीचे, तो हमें एक अपना रेफरेंस पॉइंट मिल जाता कि हाँ मार्केट अगर जब भी ये लेवल टच करेगा तो यहाँ पे सेलिंग फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन क्या अभी भी कंफ्यूज है ये, मैं नहीं बोलता, देखो 2 दिन से एक ही रेंज में मार्केट किया हुआ है और 3 4 दिन से तो देख लो तो 1000 पॉइंट का ये जो रेंज है तो इसमें ही मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे घुमा रहे हैं। ठीक है और मैं आपको 15 मिनट में दिखाता हूँ लेवल सारे। अब देखो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी तो आज था खत्म हो गया, तो अब अगर ये गलती से फिर से ये सारे लेवल अगर क्रॉस करता है, ठीक है ये सारे लेवल क्रॉस करता है तो फिर हाँ यहाँ से आप मान सकते हो कि 200 150 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ से दे देगा और ये ट्राई करेगा 47,000 के ऊपर क्लोजिंग देखने, क्योंकि बायर्स अगर इंटरेस्टेड है तभी तो यहाँ से प्राइस सीधे रिवर्सल किया है। ये क्या हुआ, ये यू शेप कब आता है मोमेंटम, यू शेप कब आता है जब बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं अपने एक लेवल को डिफेंड करने के लिए, कैसे यहाँ पे 46,000 का एक लेवल था डिफेंड किए ठीक है, थोड़ा नीचे स्पाइक आया यहाँ पे फंसाया सेलर लोग को फिर सीधे रिवर्सल मार दिया, यहाँ पे बहुत रिटेलर लोग फंसे होंगे। ठीक है एसएल हंटिंग में आपको मतलब वीडियो बना दूंगा प्रॉपर एसएल हंटिंग कैसे होता है, और अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर लेता और निफ्टी में ट्रेड कर लेता, लेकिन जैसा मैंने बताया जब मेरा पहला एसएल मतलब बता रहा हूँ ना मार्केट ने मेरा 15 + 4 मतलब 20,000 रुपये मेरा खाया है प्रॉफिट से, और लॉस ले लो तो 20,000 अगर खाया है मेरा 3 4 दिन में जो लॉसेस तो वो मेरा आज रिकवर था, अगर खाया है तो फिर से क्यों पैनिक करना, ठीक है छोड़ो मार्केट कल देख लेंगे थर्सडे को देख लेंगे फ्राइडे देख लेंगे मंडे से फिर से फ्रेश, अपने आप को पता ही चल जाएगा ना कि बायर्स यहाँ पे हैं कि नहीं है, सेलर यहाँ पे हैं कि नहीं है, हमें पता चल जाएगा, अगर सेलर है तो फिर से स्विंग ब्रेक नहीं करना चाहिए यहाँ से, फिर से धीरे धीरे ये लोअर हाई लगा के नीचे आना चाहिए, अगर बायर्स हैं यहाँ पे तो ये फिर से नीचे नहीं आना चाहिए 21,700 फिर से रिटेस्ट नहीं करना चाहिए, तो होप आपको समझ में आया, तो 1 2 दिन अवॉइड करो क्योंकि मार्केट जैसा बना रहा है ना कहीं डायरेक्शनल कोई मूव ही नहीं कर रहा, और जिस हिसाब से अगर 2 दिन ऐसे फिर से अगर एक ही रेंज में 1000 पॉइंट के अगर रेंज में आ गया 47,000 से 46,000 ये तो आने वाले टाइम पे मंडे के बाद ना ये जितना हजार हजार पॉइंट है ना ये डायरेक्शनली ऊपर 1000 पॉइंट मोमेंटम करेगा नेक्स्ट वीक, एक डायरेक्शनली मूव करेगा 500 600 700 800 पॉइंट मोमेंटम करेगा, बस 2 दिन और जाने दो मार्केट को, आप अपना कुछ ना वो दे दो कंडीशन दे दो कि हाँ भाई ये 1000 पॉइंट है मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा, जब ये ब्रेक करेगा जब भी ब्रेक करे 1 महीने बाद ब्रेक करे तो मैं 1 महीने बाद ही ट्रेड लूंगा, नहीं लेंगे ट्रेड एसएल, एक दिन आप ट्रेड नहीं करोगे तो आपका एसएल का तो पैसा तो सेव हो गया ना, प्रॉफिट तो आपके हाथ में नहीं है, एसएल आपके कहीं भी ट्रेड लोगे पहले तो आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करना है 500 1000 10000 20000 जैसा आपका कैपिटल है उसके हिसाब से प्रॉफिट तो मार्केट देगा, तो अगर आप 1 दिन 2 दिन ट्रेड नहीं करोगे तो आपका जो एसएल है वो तो बच गया ना गाइस, उसको तो कैसे मंडे को डबल एसएल ले सकते हो, मतलब 2 ट्रेड ले सकते हो उसके अगेंस्ट में या क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हो, तो होप आपको समझ में आया मेरा कहने का मतलब क्या है, और देखो फिर निफ्टी भी देख रहे हो यहाँ से कल आपको दिया था मैंने एक चीज़ बोला था अगर ये गलती से भी ब्रेक करता है ये तो ये वीक हो जाएगा नीचे की तरफ मोमेंटम कर देगा, बट क्या हुआ मोमेंटम किया है स्कैल्पिंग किया तो पैसा बनाया फिर से ये रिवर्सल मार गया जैसा बैंक निफ्टी मारा था निफ्टी मारा था, तो जब भी नीचे मार्केट आ रहा है ना बायर्स अपने लेवल को डिफेंड कर रहे हैं और ये फिर ऊपर जा रहा है क्लोजिंग, और क्लोजिंग भी स्ट्रांग नहीं दे रहा है, दिक्कत ये ही ना अगर क्लोजिंग स्ट्रांग दे रहे तो मैं मान जाऊँ हाँ भाई बायर्स इंटरेस्टेड है चलो मैं अपना कंडीशन जो मैंने रूल्स दिया वो मैं चेंज कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग भी तो नहीं दे रहा ना डाइजिंग मोमेंटम दे रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग एक देना चाहिए, अगर बायर सच में यहाँ पे ये लेवल डिफेंड कर रहे थे तो एक हैमर एक दे तो ना आप, एक हैमर या थोड़ा ऐसे टाइप का एक मिलता था ऑलमोस्ट हैमर टाइप का, बट यहाँ पे क्या क्लोजिंग हमेशा कंफ्यूजिंग कैंडल 4 5 दिन से कंफ्यूजिंग कैंडल बनाया, तो यहाँ पे क्या है डायरेक्शनल मूव है ही नहीं कुछ, अब यहाँ से तो दिखेगा यहाँ से इतना बड़ा फॉल लेकिन यहाँ पे पैसा बनेगा नहीं, होल्डिंग करोगे तो बिल्कुल नहीं बनेगा स्कैल्पिंग करोगे तो पैसा बनेगा, तो कंटिन्यू मेरा अभी 4था दिन एसएल, बट एनीवे आने वाले टाइम पे पैसा रिकवर हो जाएगा, भाई पेशेंस रखो यार मार्केट है लॉस प्रॉफिट होता रहता है, बस समझो प्राइस कैसे काम करता है प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, तो थैंक यू सो मच राम राम ट्रेडर।